इंसान की तरह बाकी जीव क्यों नहीं विकसित हो पाए? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आया है कि हम सभी जीवों में से इतने महान कैसे हो गए? वैज्ञानिक भी हमारी पूर्वज बंदर बताती है, लेकिन सभी जीवों में से इंसान क्यों इतना विकास कर गया? इंसान की जब उत्पत्ति हुई थी तो इंसान भी पहले जंगल में रहते थे। क्या खाना है, क्या खाने को मिलेगा, कुछ पता नहीं होता था। जैसे आज के जानवरों का हाल है, वैसे ही पहले मनुष्य का ही था। पर मनुष्य इतना विकसित कैसे हो गया सभी जीवों से? तो आइए हम जानते हैं। इंसानी दिमाग बाकी जीवों और जानवरों की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमत्ता से भरा है, लेकिन इसका विकास अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे उसके आकार के साथ ही दूसरे कारक भी हैं। एक वैज्ञानिक धारणा के मुताबिक इस विकास में जीव संस्कृत प्रजनन भी है, जो केवल इंसानों में ही विकसित हो सका और बाकी जानवर इंसान से पीछे होते रहे। दूसरों जानवरों की तुलना में इंसान बड़े दिमाग के कारण वह ज़्यादा बच्चों को जीवित रख पाने की क्षमता आ गई। जीव संस्कृत प्रजनन धारणा के अनुसार बुद्धिमत्ता की मदद से अपने बच्चों को बचाकर जीवित रख पाने की क्षमता, बाद में एक दूसरे को ख्याल रखने की क्षमता और ख़ास तौर पर हम अपने बच्चों की देख रेख कैसे करते हैं उसी में तब्दील हो गई। फिर धीरे धीरे इंसान आज का नहीं, फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में सोचने लगा। आज खाएं, कल क्या खाना है, सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगी। फिर एक दूसरे को देखकर इंसान भी वही करने लगा। वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता बढ़ाते गए और इंसान बाकी जीवों और जानवरों से सर्वश्रेष्ठ बनते चले गए। बाकी जीव जानवर वहीं के वहीं रह गए, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी जानवर विकसित होना चाहे, जैसे बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला और कुछ जानवर, पर वो इंसान इतना सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सके। आज इंसान के पास इतना दिमाग है कि किसी भी जीव जानवर को बस में कर सकते हैं। यही सब कारण है इंसान सभी जीव जानवरों से आगे हो गया, बाकी जीव जानवर वहीं के वहीं रह गए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई सोच के साथ, तब तक लेटे कर जय हिंद, वंदे मातरम।